3 के DCP गजानन राजमाने को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पाचपौरी पुलिस ने गुटखा और तंबाकू विक्रेता के घर पर छापा मारा था। उसकी निशानदेही पर सोमवार की रात पुलिस ने मौदा स्थित गोदाम पर भी छापा मारा और 1 करोड़ रुपए का गुटखा और तंबाकू जब्त किया। पुलिस ने रियाजुद्दीन अंसारी, शास्त्री नगर निवासी सुनील जुनेजा और महल निवासी हिमांशु भद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीते शनिवार को राजमाने को जानकारी मिली थी कि पाचपावली थाना क्षेत्र में रहने वाली रियाज बड़े पैमाने पर तंबाकू और गुटखा बेच रहा है। उन्होंने पाचपावली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। रियाज के घर पर लाखों रुपए का माल बरामद हुआ। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि सुनील जुनेजा से माल खरीदता है। सुनील और हिमांशु भद्र का गोदाम मौदा थाना क्षेत्र में है। रियाज से मिली जानकारी के अनुसार पाचपावली पुलिस ने मौदा पुलिस और FTA के अधिकारियों के साथ कर सावली फाटा परिसर में स्थित गोदाम पर छापा मारा। गोदाम के सामने ही पुलिस को एक ट्रक दिखाई दिया। ट्रक की जांच करने पर सुगंधित तंबाकू के बोरे लदे थे। इसके बाद गोदाम का ताला तोड़ दिया गया। भीतर भी भारी मात्रा में गुटखा और तंबाकू रखी हुई थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का पता चला है। बताया जाता है कि सुनील जुनेजा क्रिकेट सट्टे के धंधे में भी लिप्त है। हिमांशु भद्र के साथ मिलकर वह तंबाकू का व्यापार करता है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से बड़े पैमाने पर तंबाकू और गुटखा की तस्करी की जाती है। आदरणीय सीपी सरांच्या आदेशानुसार जे अवैध गुटखा सुगंधित तंबाकू आहे यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश होते, त्याच्या अनुषंगाने माननीय DCP सर राजमाने सर यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की पाचपावलीच्या हद्दीत ताजनगर परिसरामध्ये एक किसम असा सुगंधित तंबाकू चोरून विकत आहे म्हणून गुटखा आणि तंबाकू। आम्ही पाचपावलीची टीम, DB टीम, 2 टीम आणि DCP सरांचा स्कॉड असं मिळून एकत्रितरित्या ती कारवाई केलेली आहे आणि त्यात जो आरोपी आहे रियाजुद्दीन निजामुद्दीन अन्सारी वय 44 राहणार टेका ताजनगर याचे घरी रेड केली होती, तर तिथेसुद्धा आम्हाला सुगंधित तंबाखू आणि गुटखा वगैरे मिळून आला होता। तर आम्ही FDAला पत्रव्यवहार केला होता, परंतु शनिवार रविवार सुट्टी असल्यामुळे त्यांचे अधिकारी उपलब्ध होऊ शकले नाही। पुलिस के छापे की जानकारी मिलने के बाद से जुनेजा और भद्र अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। शहर में तस्करी कर माल बेचने वाले अन्य राज्य के व्यापारियों पर भी पुलिस शिकंजा कसने वाली है। शहर में पुलिस की सख्ती ज्यादा होने के कारण जुनेजा ने मौदा में गोदाम बनाया था। खुद DCP राजमाने ने गोदाम में जाकर जाँच की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।